पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू किए जाने सहित कुल 10 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के सदस्यों ने गुरुवार को जिला अधिकारी कार्यालय के समक्ष शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद परिषद के सदस्यों ने अपनी मांग संबंधित ज्ञापन एडीएम सिटी रजनीश चंद्र के माध्यम से प्रदेश सरकार को प्रेषित किया। परिषद के सदस्यों ने ज्ञापन के माध्यम से राज्य कर्मचारियों के 50 वर्ष की आयु पार कर लेने पर अनिवार्य सेवा निर्मित मामले में पारदर्शिता के साथ दर्शक सिद्धांतों को घोषित करते हुए उसका पालन किए जाने, केंद्रीय कर्मचारियों के भत्ते पर निर्णय हो जाने के पश्चात प्रदेश के कर्मचारियों को भी केंद्र के समान भत्ते दिए जाने, संविदा व आउटसोर्सिंग के रूप में कार्य कर रहे कर्मचारियों को निश्चित अवधि के बाद पूर्णकालिक राज्य कर्मचारी घोषित किए जाने सहित कुल 10 सूत्रीय मांग की। ज्ञापन सौंपा जाने के दौरान राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष रुपेश कुमार श्रीवास्तव, मंत्री अश्विनी श्रीवास्तव, अरुण द्विवेदी, अनूप कुमार, विनोद पांडे, विजय शर्मा सहित कई अन्य मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए परिषद के मंत्री अश्विनी श्रीवास्तव ने कहा, उधर ही देखो, उधर बाग की तरफ ले लो। हमारी मांगे हैं कि एसीपी व्यवस्था में सुधार किया जाए, पुरानी पेंशन व्यवस्था दिल की बहाली कराई जाए और सेंट्रल पर गवर्नमेंट के बराबर मकान किराए भत्तों की समानता दीजिए, जो कि ऐसा नहीं है। और बहुत सी विसंगतियां हैं, कैशलेस चिकित्सा कार्ड बना है कर्मचारियों का, लेकिन हवा हवाई साबित हो रहा है। कोई भी अस्पताल अभी अलाट नहीं है कि जिसमें कर्मचारी और पेंशनर जाके अपना इलाज करा पाएँ। ये कई चीज़ें हैं। 21 सितंबर को माननीय योगी जी के साथ प्रांतीय नेतृत्व का बैठक हुआ था। उन्होंने 6 महीने का समय लिया था कि 6 महीने के पश्चात हम आपकी सारी मांगें पूरी कर देंगे, पर दुख का विषय है कि 9 महीना बीतने के पश्चात भी कान में तेल डाल के माननीय योगी महोदय बैठे हुए हैं और आने वाला 2019 का समय कर्मचारी उनको बता देगा, इतिहास में करवट दिला देंगे कर्मचारी मिल के उनको भी इतिहास याद आ जाएगा कि जब कर्मचारियों से अगर किसी ने पंगा लेने की कोशिश किया तो उनके साथ क्या होता है। इसी क्रम में थोड़ा आगे बता दूँ, 2010 में मायावती जी की सरकार थी, उन्होंने भी कर्मचारी नेताओं के साथ जो है कभी वार्ता नहीं किया, उसका खामियाजा उन्होंने भुगत लिया। उसके बाद माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार आई, उन्होंने भी संवादहीनता बनाई रही कर्मचारी के शीर्ष नेताओं के साथ, उन्होंने भी खामियाजा भुगत लिया। इन्होंने वार्ता तो की लेकिन वार्ता में सहमत के पश्चात भी इन्होंने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की, इसका भी खामियाजा निश्चित तौर पर कर्मचारी मंच की तरफ से मैं ऐलान करता हूँ कि 2019 में निश्चित तौर पर इनको भोगना पड़ेगा। क्या मांगे हैं, जो कोई भी सरकार आती है तो फिर आपकी मांगों का अनदेखा किया जाता है? ऐसी कोई मांग नहीं जिसे पूरा नहीं किया है, केवल दृढ़ इच्छा शक्ति का है। माननीय योगी जी 2013 में जब सांसद थे तब इन्होंने एक पत्र लिखा था कि मेरी सरकार आई तो पुरानी पेंशन की बहाली की मैं बात करूँगा। उसके पश्चात जब कर्मचारियों ने नोटा की बात की 2014 के इलेक्शन में, तो राजनाथ सिंह इनके जो उस समय देश के अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कहा कि नहीं भाई आप नोटा का प्रयोग न करें, हमारी सरकार आएगी तो मैं पेंशन पर पुनः समीक्षा करूंगा। इनकी सरकार आई, संयोग से केंद्र में भी इनकी सरकार है, प्रांत में भी इनकी सरकार है, लेकिन अपनी ही कही बातों को इनके द्वारा अनदेखा किया जा रहा है, जिसे कर्मचारी बाध्य होकर जो है ये कार्य करने के लिए उपलब्ध है। इसके विपरीत हम लोगों ने एक पुरानी पेंशन बचाओ के लिए एक नया हमने वो बनाया, आंदोलन बनाया जिसमें कर्मचारी शिक्षक अधिकारी सभी सम्मिलित हैं और 9 अगस्त को जो क्रांति दिवस का दिन है 9 अगस्त के दिन से उसके आगाज होगा, आभास हो जाए कि वास्तव में कर्मचारी समाज अब जाग चुका है, वोट की चीज नहीं रहा है और उनको बाध्य होकर कर्मचारी क्योंकि समस्याओं को पूरा करना पड़ेगा। जय हिंद, जय प्रसाद।